अलवर में आए 3 दिन पूर्व तूफान के बाद हालात धीरे धीरे सुधरने लगे हैं। इस त्रासदी के बाद युवाओं ने जनसेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगातार कई दिनों से श्रमदान में जुटी विभिन्न संस्थाओं और स्कूली छात्र छात्राओं ने अलवर के कंपनी बाग में आज श्रमदान किया। यहां तूफान से हजारों की संख्या में पेड़ धराशायी हो गए थे। सुबह 6 बजे सेंट एंसलम APS स्कूल के बच्चों सहित हेल्पिंग हैंड्स, मित्तल फाउंडेशन, सहयोग सेवा संस्थान, पतंजलि योग संस्थान और लायंस क्लब, अलवर मत्स्य और भारत विकास परिषद के सदस्य भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं सैकड़ों की संख्या में पहुंचे आम जन ने भी सफाई में योगदान दिया। APS स्कूल के बच्चों ने ये पूरा कोशिश किया कि उन्होंने कहा कि सर हम लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, हमारे स्कूल के सभी बच्चे काम करना चाहते हैं, तो हेल्पिंग हैंड्स के साथ मिलकर हम कंपनी बाग में काम कर रहे हैं। और क्योंकि कंपनी बाग में बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ टूटे थे, पूरा कंपनी बाग अस्त व्यस्त हो चुका था, तो हमने भी प्लान बनाया और व्हाट्सएप पे फेसबुक पर लोगों से अपील की। अभी तो मालूम ही नहीं है कि कितने संगठन यहाँ पर आए हैं, जो भी लोग जिसने भी देखा सभी लोग इस यहाँ पर जुड़े। तो जितने मुझे याद है अलवर पब्लिक स्कूल, सेंट एंसलम, पतंजलि योगपीठ, RDNC, मित्तल फाउंडेशन हेल्पिंग हैंड्स के साथ हमेशा रहता है, कंपनी बाग में डेली घूमने वाले लोग, सोमवंशी नवयुवक मंडल और भी न जाने कितने कौन कौन से लोग यहाँ पर है, अभी तो हमें पता लगेगा। ये जो अलवर में बहुत बड़ा तूफान जो आया 3-4 दिन पहले उसको देखते हुए कंपनी बाग में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसने बहुत विनाश किया है। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ बहुत गिरा दिए हैं, बड़े बड़े पेड़ जो हैं और वो पूरे रास्ते को रोके हुए हैं। और तो आज मुहिम ये चलाई है कि वो जो सारे पेड़ हैं उनको हम एक जगह इकट्ठा करके UIT और नगर पालिका को उनको एक तरह से बोलें कि वो सारे यहाँ से उठाएं और नए पेड़ हम चाह रहे हैं कि कुछ पौधे लगाने की शुरुआत करें। तो इस मुहिम में आज जो बच्चे हैं ख़ासतौर से उनको हमने इन्वॉल्व किया है, जिससे उनकी एक आदत बने सेवा करने की और इस तरह के श्रमदान करने की। जो स्वच्छता अभियान है यहाँ पर, जो बहुत सारा कूड़ा भी पड़ा हुआ है उसको भी हम आज उठा रहे हैं। तो हेल्पिंग हैंड्स के बच्चे जो हमारी 86 हफ्ता उनका चल रहा है, तो आज उन्होंने श्रमदान यहाँ किया है। उसमें हमारा मित्तल फाउंडेशन, APS स्कूल, सेंट एंसलम स्कूल, सहयोग संस्थान, बहुत सारी संस्थाएँ इसमें आ रही हैं, नगर परिषद के चेयरमैन भी आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कंपनी बाग एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा, दोबारा जैसे पुरानी स्थिति थी उसकी हम इसको लेके आना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो पूरा शहर पूरा यहाँ पे आता है घूमने, हजारों की संख्या में यहाँ पे व्यक्ति आते हैं। तो और सबसे हम सब लोगों से, आमजन से भी अपील करते हैं कि जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे आप कोशिश ये करें कि बिजली व्यवस्था ठीक कराने में, पोल हटाने में, पेड़ हटाने में, लोगों की सहायता करने में, या किसी के घर पर बिजली नहीं आ रही तो उसको अपने घर पर बुलाने में, पानी पहुंचाने में, जितनी भी सहायता इस समय संकट के समय कर सकते हैं। मैं जिला प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि जो सब आमजन साथ लेके, आमजन को साथ लेकर के ये ऐसी मुहिम चलाएं कि अलवर में एक इतिहास बन जाए।